सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन में सहारनपुर पुलिस की पिकअप सवार गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा कॉम्बिंग के दौरान दो अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक बदमाश भागने में सफल रहा, जिसकी कॉम्बिंग जारी है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा जिले में गौ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में 25 अप्रैल 2022 को थाना रामपुर मनिहारन पुलिस की दिल्ली सहारनपुर हाईवे से ग्राम सैफपुर जाने वाले रास्ते पर महिंद्रा पिकअप गाड़ी में सवार गौ तस्करों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पार्टी ने बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पुलिस व गौ तस्करों के बीच हुई फायरिंग में गौ तस्कर घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। और वहीं कॉम्बिंग के दौरान दो अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई, जबकि गिरफ्तार आरोपियों का एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग जारी है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से महिंद्रा पिकअप, एक जिंदा बच्चिया, गोकशी के उपकरण और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले रामपुर क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई है रामपुर पुलिस के साथ। इसमें तीन बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, एक बदमाश घायल भी हुआ है। इसमें तीनों की पहचान हो गई है, तीनों के लंबा आपराधिक इतिहास है। ये महिंद्रा पिकअप से गोवंश लेके जा रहे थे गोकशी के इरादे से, और पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब इनको रोकने का प्रयास किया, जिन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया है, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। ये जो बदमाश पकड़े गए हैं, इनका लंबा आपराधिक इतिहास है और इनके बारे में और पड़ताल की जा रही है। इधर जो इनका एक भागा हुआ बदमाश है, उसकी तलाश अर्जुन कर रहे हैं।